मॉर्निंग एवरीबॉडी, हम लोग रिजर्वेशन पढ़ रहे थे राइट। राइस क्लास हमारी बहुत छोटी थी बिकॉज आप लोगों को ज़्यादा था टेस्ट देने। सो एनीवे टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश राइट, या एक और क्लास देके हम लोग दोनों इसको कवर अप बाइंड अप कर लेंगे ठीक है। सो हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स देख चुके हैं ऑल दैट। सो अब आज हम लोग आर्टिकल 335 से शुरू कर रहे हैं, और आर्टिकल 335 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कह रहा है कि जो एस सी एस टीज हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनको सर्विसेज में, उनके पोस्ट में, और उनको मतलब रिजर्वेशन जो है उनका सर्विसेज और पोस्ट में सुनिश्चित करता है ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप बोल सकते हो नौकरियों के स्थानों में, या आप आरक्षण के बारे में बात कर रहा है, स्थानों के एसटी का, एससीएसटी का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आप विशेष प्रतिनिधित्व, विशेष प्रतिनिधित्व ठीक है। कहाँ पर आप तुम्हारा देख सकते हो कि सेवाओं में या आपके कहा जाएगा पदों पर, ये पोस्ट में और सर्विसेज में प्लस पदों पर क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 336। आर्टिकल 336 किसके बारे में बोलता है, एंग्लो इंडियंस के बारे में। और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ एंग्लो इंडियंस की डेफिनेशन वो कौन सा चीज से रिलेटेड है, तो ये किसके लिए है, ये है एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस या आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। ये क्या कहता है कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए ठीक है, सर्टेन सर्विसेज स्पेशल प्रोविजंस। मतलब आंग्ल भारतीयों के लिए और उनके विशेष उनके समुदाय के लिए एक्चुअली ओके, ये क्या है आंग्ल भारतीयों के समुदाय के लिए विशेष प्रावधान बनाया जाए ठीक है। विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। इवन आर्टिकल 337 भी बोलता है कि उनके एजुकेशनल के लिए, उनके प्रति जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, अनुदान दिए जा रहे हैं, उसके लिए भी आप आर्टिकल 337, आर्टिकल 337 भी किसके लिए है, अनुच्छेद आपका 337, ये भी आपके एंग्लो इंडियंस के लिए है, एंग्लो इंडियंस या आंग्ल भारतीय के लिए है, आंग्ल भारतीयों के लिए है ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उनके एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल ग्रांट्स, एजुकेशनल ग्रांट्स यानी आपके शैक्षणिक आपके बेनिफिट्स जो होंगे, शैक्षणिक अनुदान जो होंगे, शैक्षणिक अनुदान, अनुदान के लिए उनके बेनिफिशियल जो होगा, बेनिफिशियल उनके उन्नति के लिए, उनके कार्य के लिए, ये हमारे तीन आर्टिकल्स हो गए क्लियर। क्या है आर्टिकल 335 बोल रहा है कि सेवाओं में और आपके जो पोस्ट है पदों में एस सी एस टी का रिजर्वेशन होना चाहिए, फिर एंग्लो इंडियंस का ठीक है, एंग्लो दोनों 37 और 36 जो है आपके एंग्लो इंडियंस के, एक बोल रहा है कि कुछ विशेष प्रबंध करो सेवाओं में सर्विसेज में उनके, और दूसरा बोल रहा है एजुकेशन सेक्टर में उनके लिए अनुदान दो ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलो आर्टिकल 338, आर्टिकल 338। अब देखो आर्टिकल 338 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो भागों में और भी बटा है, आर्टिकल 338A और आर्टिकल 338B। इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखो ये आर्टिकल कहता है कि एक आयोग का, एक कमीशन का गठन होगा ठीक है, जो ये जो आपके एससी एसटी और ओबीसी, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट। अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो हम लोग थ्योरी वाइज देख रहे थे कि हमारे संविधान या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या क्या करवाया गया है, अनुच्छेदों के द्वारा क्या करवाया गया।
आप इसके बाद से जारे सारे जो स्टार्ट करेंगे हम आज के क्लास में, वो आप लोग का इस पर कंसंट्रेशन रहेगा कि क्या चल रहा है एमसीएल में, कहाँ पे विवाद हो रहा है, कहाँ पे डिस्प्यूशन आ रही है, क्या क्या लड़ाइयाँ, क्या क्या केसेस हुए। सो बी कंसंट्रेटेड, फुल देखो। अब क्या है, अदर बैकवर्ड कास्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये क्या कह रहा है एक्चुअली, ये किसके बारे में बात कर रही है, जो तीन है ये कमीशंस के बारे में बात कर रहा है, कमीशंस या आयोग के गठन, आयोग गठन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 338 कह रहा है कि एससी के लिए आयोग का गठन, एस्टैब्लिशमेंट हो किसका, एससी के लिए। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ एससी शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग फॉर अनुसूचित जाति। अब ये क्या कह रहा है कि ये कहेगा कि ये क्या क्या कार्य करेगा, ये जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए एक बनाया गया संघ है, ये संवैधानिक है, याद रखना ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्लियर है। अब ये कहेगा कि उनके क्या 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 उनके प्रति अत्याचार हो रहे हैं, या उनका शैक्षणिक उत्थान कैसे करें, या उनके प्रति कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या बनाएं। ठीक है, तो ये क्या कार्य करेगा, ये कार्य क्या करेगा, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा। कहाँ पर डिस्कस करेगा, पार्लियामेंट में डिस्कस करेगा। ठीक है, कहाँ डिस्कस करेगा, पार्लियामेंट में डिस्कस करेगा। सेकेंड, ये जो उनके प्रति जो योजनाएं बनाने के कार्य है वो भी कर रहा है, पार्लियामेंट में उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है। क्या, हाँ, उनके प्रति शोषण हो रहा है उसकी जांच भी करेगा, शोषण जो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, असॉल्टमेंट जो हो रहा है, उनकी जांच भी करेगा। ठीक है, तो इस आपने देखा होगा NCST और NCBC। ठीक है, ये तीन आर्टिकल 338 बता रहा है। 338 किसके लिए है, एससी के लिए है। एससी के लिए क्या बनाया, आयोग बनाया, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, या राष्ट्रीय आयोग किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक संस्था भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था भी है। दूसरा, ये सरकार को रिकमेंडेशन देगी, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, प्रॉब्लम डिस्कस करेगी, कहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करेगी, पार्लियामेंट पे। तो इसका मतलब डिस्कस करके क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी यूनियन को या सरकार को, जो भी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये तो सारी हो गई। अब इनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसको डिस्कस करेगी। लेकिन इस ये जो बॉडी है आपकी, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी है, तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 5 पर्संस होते हैं, जिसमें इसको 1-1-1-1-3 में डिवाइड किया गया, 3 ऐसे मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, क्लियर है। अब इनको चयन करना प्लस इनको हटाना, रिमूव करना, कौन करेगा सब, प्रेसिडेंट करेगा या राष्ट्रपति करेगा, याद रखना। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 इयर्स का होता है, 3 इयर्स का कार्यकाल होता है। ये जो लोग हैं, ये जो मेंबर्स हैं, इनका जो कार्यकाल होगा 3 साल का होगा, और 3 साल में ये सारे काम करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, सिविल कोर्ट के, यानी दीवानी न्यायालय। ठीक है,
निगरानी में है, ये जांच करेगी, लेकिन ना ये जुर्माना दे सकती है, ये जो आपकी संस्था है ये जुर्माना भी नहीं भरेगी, जुर्माना नहीं भर सकती और सजा भी नहीं दे सकती, ठीक है, सजा भी नहीं दे सकती। बस ये क्या करेगी, ये समन भेज सकती है, जांच कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, समन, जो इसके अपराधी पाए जाएंगे, मतलब जो इनके ऐसे के पति जो अपराधी पाए जाएंगे उनको समन भेज सकती है, मामले की जांच कर सकती है, तुरंत तुरंत ये सारे कार्य कर सकती है, ठीक है। तो इसको कौन से कोर्ट का दर्जा मिला है, दर्जा मिला है सिविल कोर्ट का, ठीक है। तो जो ऐसे जगह होते हैं, जो ऐसे न्यायालय होते हैं, उनको ऐसी संस्थाओं को कैसे बोलते हैं, ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसे बॉडीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं, अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं, क्लियर, अर्ध न्यायिक संस्था या बॉडीज कहते हैं, क्लियर, इतना क्लियर है ना सबको। तो इनको हटाना, इनको रिमूव करना, ये सारे किसकी प्रॉपर्टीज है, ये सारे, अच्छा ऐसा भी एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर कहीं किसी एरिया में शेड्यूल कास्ट के प्रति सम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय, उनका शोषण हो रहा है, तो ये स्वतः ही अपना संज्ञान लेंगे थी, तो इनके पास एक अपने तो स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग का होता है, स्वतः संज्ञान ले सकती है, संज्ञान ले सकती है, स्वतः ही संज्ञान ये क्या कर सकती है, ले सकती है, क्लियर है इतना, ओके ये पूरा क्लियर है ना। ये किसके बारे में था, एनसीएससी, ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 338। अब इसके जो टोटल कार्य हैं, ये कैसी बॉडी है, या इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, दिस इज सेम टू सेम फॉर योर और एसटी एंड ओबीसी। तो एससी के लिए क्या है 338, एसटी के लिए क्या है 338A, और ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है 338B। यही अंतर है आपका, बाकी सारी चीजें सेम है, 338, 338A, 338B। ये किसके लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या बनेगा बताओ, एनसीबीसी। एससी के लिए क्या बनेगा, एनसीएसटी, और एससी के लिए क्या बनेगा, एसटी के लिए एनसीएसटी, और इसके लिए एनसी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एंड योर बैकवर्ड क्लास। अब इसका जो है हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल यानी कि इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या विवाद, इसका क्या क्या डिफरेंस हुए। देखो एक आपको याद रहे, जाट आंदोलन हुआ था, एंड इन दैट इट वॉज वेरी पॉपुलराइज्ड, एक्चुअली बहुत फोकस्ड हुआ था, सो वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो, क्लियर। ये जो आपका आर्टिकल 338A है, आर्टिकल 338A है, ये कौन से संविधान संशोधन में जुड़ा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जुड़ा है, 89, जो कि हमारे 2003 में हुआ था, क्लियर है, 2003 के संविधान संशोधन में 89वें संविधान संशोधन जो है, और एनसीबीसी कब जोड़ा गया, ये हमारे 102वें संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको। तो हम लोग ये चीज पढ़ लें, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, इसके डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीबीसी के। बीच में बताऊंगी आपको आर्टिकल 339, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है और ये अनुसूचित जनजातियों के जो कल्याण के लिए है, इस पर किसका अधिकारिता के बारे में बात कर रहा है, यूनियन का या संघ का। तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, ठीक है, यानी एससी जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके प्रशासन तथा उनके कल्याणकारी ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बेनिफिशियरी प्रोग्राम्स, कल्याणकारी बेनिफिशियल प्रोग्राम्स, ठीक है, या कल्याणकारी कल्याण के लिए किसका निरंतर, यूनियन का निरंतर, संकर निर्धन, वो इस पर ध्यान देंगे। लेकिन आर्टिकल जो हम देखेंगे 340, ये बहुत आपको कंफ्यूज करने वाला है। आर्टिकल 340 क्या कह रहा है, एक आयोग का गठन होगा,
आयोग का एस्टैब्लिशमेंट होगा, कमीशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होगा, जो किसकी जांच करेगा, किसकी जांच करेगा, ये जांच करेगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्लासेस यानी पिछड़े वर्गों के जांच करेगा, पिछड़े वर्गों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें फेस कर रही हैं, उनका उत्थान कैसे होगा, तो उसकी जांच करेगा और उसको रिकमेंड करेगा। अब बोलोगे कि मैम ये तो ये भी यही कर रहा है, नहीं, दोनों में अंतर क्या है कि ये जो एनसीबीसी है, ये एनसीबीसी एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, ठीक है, परमानेंट बॉडी है, ये डेली बेसिस पे काम करता है, डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस रोज 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 काज करता है, रोज रोज उनके प्रॉब्लम को देखेगा, सॉल्व करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बट ये जो आयोग बना है, जो ये आपका आर्टिकल 340 का जो आयोग बना है, ये आपका परमानेंट बॉडी नहीं है, नॉट अ परमानेंट बॉडी या अस्थाई बॉडी है, नॉट अ परमानेंट बॉडी, क्लियर है, ये एक अस्थाई संस्था है, अस्थाई संस्था है। किसने बनाया? प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो लगते हैं कि कर सकते हैं इस कार्य को, इकट्ठा किया, एक आयोग बनाया, आयोग बनाया, और फिर ये आयोग ने ये जांच वांच किया, खत्म, फिर उसका काम खत्म हो गया, फिर कुछ बना, फिर कुछ आयोग बने, कुछ लोग इकट्ठा हुए, एंड दिस कंटिन्यूअसली गो ऑन। तो हम देखेंगे क्या, जो ये आर्टिकल 340 है, इस आर्टिकल 340 ने दो आयोग का जो इम्पोर्टेंट है, दो आयोग, एक काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग, ठीक है, और दूसरा एक आयोग है आपका बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल कमीशन या आयोग, कमीशन या आयोग, क्लियर है। अब ये दोनों आयोग आपको काफी इम्पोर्टेंट दिखेगा, ठीक है। कालेलकर आयोग क्या था? कालेलकर आयोग 1954 में बना था, और ये आपका कब बना था बताओ? इसका हम लोग देखो, ये आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके इसने बहुत बड़ा सा कांड किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बीपी काका कालेलकर आयोग ने क्या बोला कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनके उत्थान के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, आवश्यकता है। तो काका कालेलकर आयोग ने बताया कि पिछड़े वर्ग के उत्थान, पिछड़ा वर्ग के बैकवर्ड क्लासेस के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस योर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन जो बीपी मंडल आयोग था, ये किसकी सत्ता में आया? 2 वर्ष के लिए, जो बीजेपी वाली आई, भारतीय जनता पार्टी, जो जनता पार्टी की जो पार्टी आई, ठीक है, उसमें इस बीपी मंडल आयोग ने कार्य किया, और उसने बोला, पहली बार अपना मुंह खोला कि 27% जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण होना चाहिए, मेन बात यही है, ठीक है, इसका कंक्लूजन हम बोल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। बट ये बिल जो है, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, इनकी रिकमेंडेशंस जो है ये शांत हो गई, रिकमेंडेशंस जो है ये शांत हो गई, व्हाई? बिकॉज सरकार बदल गई, बिकॉज क्या हुआ, सरकार हमारी जो है वो बदल गई। फिर जब जनता पार्टी आई, अब जनता पार्टी नेक्स्ट कब आई बताओ? 2 साल तक चली, फिर हमारी जनता पार्टी आई, किसकी जनता पार्टी आई? ये आपकी आईबीपी सिंह की, ठीक है, बीपी सिंह की। हमारा क्या हुआ, ठंडा हो गया, इसने रिकमेंडेशन दी, अपने रिपोर्ट्स तैयार की सबकी, पर ये बैठ गया, दब गया, राइज नहीं हुआ। फिर जब इस बीपी सिंह की आपको पास सरकार बनी ना, उस समय बहुत आपके राम मंदिर, बाबरी मस्जिद वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, तो बीपी सिंह ने क्या, फिर जब जाने वाले थे तो बीपी सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये पर्सन ने क्या बोला कि बोला चलो खोलते हैं बीपी मंडल के रिकमेंडेशंस को, मंडल के रिकमेंडेशंस को। और जब उसने रिकमेंडेशंस को खोला तो उसने क्या पाया कि उसने बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात की, बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात की, और उसने क्या करा, चलो लागू करवाते। सो 98 यू विल से दैट ये जब बैकवर्ड क्लासेस की जब ये लगाया गया आपका, ठीक है, ये कौन से, ये देखो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
ये हम लोग बात कर रहे हैं आपके आर्टिकल 340 का, आर्टिकल 340 का आप 54 में बना काका कालिंग और बीपी मंडल, क्योंकि हम लोग सबके रिजल्ट की बीपी मंडल की बात कर रहे हैं। तो बीपी मंडल ने जब उसके रिकमेंडेशंस को खोला गया, उसके रिपोर्ट को पढ़ा गया, तो हमने देखा कि बैकवर्ड क्लासेस को 27% जो है रिजर्वेशन या आरक्षण की बात की गई है। अब जब ये 1998 और 99 की बात है, जब ये जैसे ही सामने आया तो पूरे देश में व्यापक रूप से आंदोलन चलने लगे। आंदोलन हुआ कहाँ, पूरे देश में, ठीक है, जिसमें आप बहुत सुनोगे जाट आंदोलन। अब ये जाट आंदोलन क्या था कि एक्चुअली में अगर हम लोग देखना चाहें इन जाट आंदोलन के डिस्प्यूट्स को, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल फाइंड कि चौधरी देवीलाल की नाम सुनेंगे इसमें आप, देवीलाल, ठीक है, ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन, ठीक है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर भी थे, इनके कॉलेजेस हैं इनके नाम के ऊपर, एंड एवरीथिंग यू विल गेट। सो व्हाट हैपेंड कि पूरे देश भर में व्यापक रूप से आंदोलन चला, और इसमें क्या हुआ कि इन आंदोलन में जो जाट थे, सी वी हैव सीन देम इन आर्मी सेक्टर्स एंड दे आर एक्चुअली अ बेसिक बिग कम्युनिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये जाती है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। सो दे सेज दैट वी आर डिक्टेटरशिप, वी आर इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ लॉन्ग इयर्स, एंड हाउ कैन यू से अस दैट वी आर इन अ बैकवर्ड क्लासेस, राइट। सो दे सेज दैट नो, वी डोंट वांट यू टेक दैट, वी आर नॉट इन द बैकवर्ड, दिस इज टॉक ऑफ अ प्राइड, ये उनके प्राइड की बात है। देन आफ्टर 6 to 7 or 8 years, सी एग्रीकल्चर इज, जब आप एजुकेट बहुत ज़्यादा देश उन्नति के पद पर, वी आर इन प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, राइट, सो इंडिया इज कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव इन द इकोनॉमिक सेक्शंस ऑल्सो एंड एजुकेशनल सेक्शंस ऑल्सो। सो क्या हुआ कि आफ्टर दैट जब रिजर्वेशंस देखा एंड दे सी द बेनिफिशियरी इफेक्ट्स ऑफ दैट, एंड आफ्टर 6 to 7 years, 6-7 साल बाद उन्होंने बोला कि वी वॉन्ट दिस रिजर्वेशन, हमें ये आरक्षण चाहिए, बिकॉज आरक्षण हमें एजुकेशन सेक्टर में दिया जा रहा है, वी वॉन्ट द एजुकेशनल एंड वी वॉन्ट योर पोस्ट सर्विसेज, सर्विस और पोस्ट सेक्टर्स में, नौकरियों के क्षेत्र में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए या आरक्षण चाहिए, बिकॉज सिंस वी आर टोटली बिलोंग्स इन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर्स, नाउ डेज वी आर नॉट दैट मच रिनाउंड, सो वी वॉन्ट दिस। और उसको और भी बहुत सारे backward classes थे जिन्होंने गोचर एंड ऑल दोस थिंग्स कमिंग। सो व्हाट हैपेंड कि अब ये आंदोलन चालू हो गया, एंड दिस टेक्स अ वेरी वास्ट ड्यूरेशन इन द 1998, 1999, 2013, 2015, बार बार चला जा रहा था। तो फाइनली पता है हम लोगों ने क्या देखा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द राजस्थान सेक्टर, हमें क्या पता है, ये जो हमारा सेंट्रल है, जो सेंट्रल है, ये सेंट्रल हमारी ओबीसी की लिस्ट जारी करती है, ठीक है, पूरे जितने भी स्टेट्स हैं। तो जो रिजर्वेशन है, हम स्टेट के तौर पे भी देखते हैं और हम सेंट्रल के जॉब्स में भी देखते हैं, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। हम लोग क्या करते हैं, स्टेट्स में भी रिजर्वेशन लिस्ट आती है, रिजर्वेशन लिस्ट आरक्षण की लिस्ट तैयार होती है, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके लिए भी लिस्ट की जरूरत होती है। तो आई विल प्रोवाइड ऑल द डेटाज इन द टेलीग्राम एंड इवन लास्ट ऑफ दिस वीडियो, कि राजस्थान में जब आप देखते हो किसकी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट, तो आपको बहुत मिलेगा, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, आपको एससी की लिस्ट भी मिलेगी, आपको एसटी की लिस्ट भी मिलेगी, और ओबीसी की भी लिस्ट मिलेगी। तो इस ओबीसी की लिस्ट में जब आप बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में जाओगे, तो आपको राजस्थान में जाट का रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, ठीक है, बट ये एक्सक्लूडेड है दो जगहों से, कौन से, धौलपुर से, और एक जगह है आपको। अब जो ये राजस्थान में, तो आपको जाट में पूरा का पूरा रिजर्वेशन मिल चुका है, लेकिन जब जैसे ही हम सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं, ओबीसी की,
जो कि रिजर्वेशन देगा जाट्स को, उसमें क्या है कि उसने धौलपुर और भरतपुर और धौलपुर में ये उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर द रूलिंग कम्युनिटी है यार, रूलिंग कम्युनिटी। आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा क्या बात है, ठीक है। सो मोर ओवर दैट, ये लिस्ट जो है ये किसने तैयार की है, सेंट्रल ने लिस्ट तैयार की है। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया में देखें तो आपको 9 states मिलेंगे, 9 states जहाँ पर आप ये जाटों का रिजर्वेशन देखोगे। यहाँ पे बैकवर्ड लिस्ट में हिमाचल प्रदेश जिसमें है, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड योर दिल्ली, देन योर दिस राजस्थान, ठीक है, और बात ये है आपके वगैरह। तो आप इनको देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आपको जाट्स का रिजर्वेशन मिलेगा। सो और ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको, आई विल प्रोवाइड ऑल द लिस्ट, डोंट वरी, फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन दिस। ये जो चीज़ है ये आपको क्यों, कौन कर रहा है, ये जो आपका जो सारा डेटा है, जो सारे कंक्लूजन है इस ईयर में, ये हुआ यहाँ पर देना चाहिए, जैसे धौलपुर में नहीं देना चाहिए, भरतपुर में नहीं देना चाहिए। सो ऑल थिंग्स को डिसाइड कौन कर रहा है, इन सबको डिसाइड कर रहा है NCDC। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू द वर्क ऑफ दिस NCDC, क्लियर है, वर्क ऑफ दिस NCDC। तो अगर कोई कहे कि आपका, अगर आपको कोई कहे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है, ओवरऑल जो ये आरक्षण है वो कितना है, वो कैसे है, कहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि संविधान के कहाँ पर बात हुई है। तो संविधान के आर्टिकल 332 से आप देखोगे, या 330 से भी आप देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल से फ्रॉम 340 तक आपको इन सब बातों में बात किया जाएगा। भाग 16 क्या बोला गया है, विशेष वर्गों के लिए प्रावधान की बात की गई है, यानी स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कम्युनिटीज, कास्ट, क्लास एंड ऑल दोस। इज दिस क्लियर? ये सारी चीजें NCBC ने तैयार की है, NCBC ही बोलेगा कहाँ पर किसकी जरूरत है, कितने को देना चाहिए, किसने को नहीं देना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। बट ओवरऑल दिस जो ये आपके OBC का जो रिजर्वेशन आया, वो रिकमेंडेशन किसकी थी, वो रिकमेंडेशन हमारे BP मंडल आयोग की थी। और हम एक केस देखेंगे जो कि हम लोग BP मंडल केस कहते हैं, BP मंडल कमीशन केस हम देखेंगे, अभी बात करेंगे इसकी, कमीशन केस, क्लियर है। तो आर्टिकल 340 की बात हो गई हमारी, 9 states जहाँ पर आपको सेंट्रल लिस्ट में OBC में रिजर्वेशन कौन कौन से है भाई, हिमाचल प्रदेश, देन बिहार, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा, यूपी, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूपी हो गया, और आपका इधर वो हो जाएगा हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और कौन सा बचा। सो दीज थिंग्स आर देयर योर ब्रॉट द रिजर्वेशन। बट ओवरऑल अगर कभी पूछे कि रिजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल आप बोलोगे कि आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 340 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। लेकिन प्रोविजंस कहाँ से कहाँ दिए गए हैं, 330 से 340 तक, क्लियर है इतना आपको। अब अगर कहीं बात की जाए कि ओवरऑल जो हमारे इंडिया का रिजर्वेशन या आरक्षण चल रहा है,
वो क्या है, एससी को आप एसटी को आप देंगे, एससी को देंगे इसको 15% देंगे, इसको आप देंगे 7.5% देंगे, ओबीसी को आप 37% देंगे, बट ओबीसी इज डिवाइडेड इन क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर मतलब एक आपका पूरा संपन्न है हर तरीके से, जिनको किसी तरह का आरक्षण नहीं चाहिए, एंड नॉन क्रीमी लेयर जिनको आरक्षण चाहिए, ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस किसके लिए है, इकोनॉमिकली नॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, ठीक है। बट इनकी प्रमुखता क्या है, इनको जनरल कैटेगरी में आना चाहिए, जनरल मतलब सामान्य, ये जनरल कैटेगरी के लोग होने चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। ये संपन्न है, संपन्न है सभी संपदाओं से, और इनको कैटेगरी चाहिए। नाउ व्हाट आई विल से दैट, नाउ व्हाट आई विल से दैट कि यहाँ पर एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है, कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस आपको तमिलनाडु में मिलेगा। सी अगर आप इकोनॉमिकली सेक्शन है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें कंडीशंस देखनी पड़ती है। पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एग्रीकल्चर व्यू से भी हो सकते हो, आप सर्विस सेक्टर में भी हो सकते हो, आप बिजनेस सेक्टर्स में भी हो सकते हो, कुछ में भी होगा, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हो तो आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, आपकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 1 लाख नहीं या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास घर है तो 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल दिस कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड टू गेट द ईडब्ल्यूएस कोटा, क्लियर है। और ये 10% है, 10% क्लियर है, ये 10% है। तो जब ये सारे होंगे तो आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा किसी भी गैट जज ऑफिसर या गैट जज ऑफिसर से या किसी तहसीलदार रैंक से, क्लियर है। देन ओनली यू विल गेट द ईडब्ल्यूएस कोटा। अब एक्सेप्शंस आ जाओ, एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, व्हाई, बिकॉज़ यहां पर आपको 69% का रिजर्वेशन मिलेगा। अब मैंने आपको कहा था कि एक बीपी मंडल जो कमीशन है, मंडल कमीशन केस, कमीशन केस के बारे में बात की थी, मंडल कमीशन केस के बारे में जब बात की थी तो इसने क्या बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% का रिजर्वेशन बोला था, लेकिन इसमें एक सहानी का केस आया, सहानी का एलिगेशंस लगा, ठीक है। उस एलिगेशंस में ये बताया गया कि जब सारे रिजर्वेशन आ रहे हैं तो ये इट इज़ नॉट गुड, ये हमारी जो इक्वलिटी है उसको क्वेश्चनाइज कर रहा है, नाउ दोस थिंग्स। तो फिर इसमें हमारे जो संविधान का बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, उस बेंच ने बोला कि ओवरऑल जितना भी होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, जितना भी रिजर्वेशन आप दोगे वो आपका 50% से ज़्यादा नहीं होगा। जब वो आपका 50% से ज़्यादा नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन, एक्चुअली में क्या हुआ, काका कालेलकर वाला बना, वो तो 1954 में बना, वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बीपी मंडल वाला जो कमीशन था, बीपी मंडल कमीशन किससे बना, ये बना आपके ना 340 आर्टिकल के रिकमेंडेशन से बना था, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, 27% बैकवर्ड क्लासेस को क्या देना है, रिजर्वेशन देना है, ठीक है। जब बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन आया और सारे रिजर्वेशन मिल गए तो इंदिरा सहानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन का, ठीक है, यूनियन की एससी का ये केस हुआ, कब, 1992 में, कि ये अगर हुआ तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी है उस पर झटका है, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, संविधान में जो समानता है उस पर झटका है, कहाँ पर, 15, 16 इन सब चीज़ों पर ही क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, ठीक है। सो और फिर ये सारी जगह इतना हर जगह पर रिजर्वेशन आ रहा है, तब जाके जो एससी का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, उसने बोला कि कितने भी रिजर्वेशन हो जाए नॉट मोर देन 50%, सारे रिजर्वेशन का ऐड भी अगर हम लोग कर ले तो ये 50% पर नहीं जा रहा है,
यही तुम्हारा मेन केस है, ये इसका लॉजिक है, बस इतना ही पूछते हैं, ज्यादा पूछते नहीं। बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल पोस्ट कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल पोस्ट डिटेल ऑन एनसीबीसी पे, जाट जितने भी इसके समारे हो गए, ये जो एससी एसटी ओबीसी ये जो राजस्थान की लिस्ट है वो भी मैंने प्रोवाइड करवा दूंगा, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड, डोंट वरी। तो जब इसका चीज हुआ तब हमारा क्या हुआ कि अब नेक्स्ट लेवल पर इसके एक्सेप्शन हम देखेंगे, एक्सेप्शन या अपवाद जब देखेंगे तो सबसे बड़ा अपवाद हमें तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में ये परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस जो है, रिजर्वेशन जो है वो किसका है 69%। अब देखो जब ये सारी चीजें हो रही थी ना तो छत्तीसगढ़ वालों ने भी कुछ किया, छत्तीसगढ़ वालों ने भी किया, फिर आपके मराठा वाला भी हुआ, मराठा आंदोलन जो हुआ था वो आपका 21 में हुआ, जिसमें बोला गया कि मराठा को भी रिजर्वेशंस देंगे महाराष्ट्र में, रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र, ठीक है। किसमें रिजर्वेशन मिलेगा, एजुकेशन प्लस, एजुकेशन प्लस जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट, ठीक है। ये हम अपवादों के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम डिसीजंस के बारे में बात कर रहे हैं। 69% है ना, ये तमिलनाडु का जो 69% है ये आपका 1990 में ही आ गया था, ठीक है। 1990 में ही आप देखेंगे तमिलनाडु में ये आपका रिजर्वेशन हो गया था, जिसमें हम देख सकते हैं कि ओपन कंपटीशन वालों को 31%, बैकवर्ड क्लासेस को 26.5%, बैकवर्ड क्लास में जो मुस्लिम्स हैं उनको 3.5%, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ये है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ठीक है। और प्लस डी नोटिफाइड क्लासेस को 20% का दिया जाएगा, एससी को 15, एसटी को 1, जिसमें कि एक अवंतियार्स होते हैं उनको 10 का मिल गया, ठीक है। लेकिन एक एक्ट आया इन लोग का, आप बोल सकते हो तमिलनाडु, तमिलनाडु स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट, ये आपका आया कब, तमिलनाडु, तमिलनाडु स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करो और आप बताओ कहाँ पे नहीं आया। रिजर्वेशन एक्ट बना ये 2021 में बना, ठीक है। इस एक्ट ने क्या किया, ऑलरेडी 1990 में ये दिया हुआ, और ये सारी चीजें आपको पता है कहाँ दी रहेगी, स्पेशल प्रोविजंस फॉर तमिलनाडु वाले में सेक्शंस में आपको शेड्यूल 9 में दिया रहेगा, ठीक है। सारी चीजें आपको इसकी चल में मिल जाती है। फिर ये एक्ट आया, ये क्या बोला कि एमबीसी में जो परसेंटेज है आपके रिजर्वेशन का उसमें से 10.5%, उसमें से 10.5% वन्नियार, वन्नियार कम्युनिटी को मिलेगा। सो दिस इज द होलसम प्रॉब्लम और होलसम एक्सेप्शंस ऑफ योर दिस तमिलनाडु केस। 69% वो आपका उस वक्त ही हो गया था 90s में ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बोला गया कि ये 50% ओवरऑल होना ही चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल केस में यहाँ पे एक्सेप्शन देखे जा सकते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखोगे, छत्तीसगढ़ में आई थिंक इट इज 58% लाइक दिस पे। आप महाराष्ट्र में देखो तो ऑल दिस थिंग्स में आप देखोगे कि ये 50% से ज़्यादा है, ये आपका हो गया, ये आपका तमिलनाडु वाला सेक्शन का रिजर्वेशन हो गया। अब हम लोग आपको थोड़ा सा EWS बोल रहे हैं, EWS की कंडीशंस तो हम लोगों ने देख ली, EWS की जो कंडीशंस थी कि कहाँ किसको मिलेगा EWS, ये सारी चीज़ें देख ली। तो ये आया कौन से, मोदी गवर्नमेंट में आया, मोदी गवर्नमेंट में किसके लिए आया, जनरल कैटेगरीज के लिए आया, ठीक है, जनरल कैटेगरीज। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, ओके, ये वाला आपको क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें निकली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, ये जो EWS है, EWS कौन से, मोदी गवर्नमेंट में आया, और ये लागू कब से हुआ, ये आपका 14 जनवरी से लागू हुआ, 14 जनवरी 2019 से लागू, याद रखना, क्लियर है। अब ये EWS एक्चुअल में एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी
103वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए, ठीक है। किस बिल में किया गया अगर कोई पूछे तो ये आपका बिल जो होगा वो 24वां बिल होगा, ठीक है। ये आपका 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो ये मोदी गवर्नमेंट में 2019 में किया गया है, कौन से बिल में, तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक में किया गया। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 103वां संविधान संशोधन, दोनों नंबर अलग है। बिकॉज एक तो भाई बिल जरूरी है क्या, सारे बिल ही पास कर दो और संशोधन कर दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इन दिस व्हाट हैपेंड, इसमें 15 और 16 में आर्टिकल्स में या अनुच्छेदों में क्या किया गया, फेरबदल किया गया, जिसमें बोला गया कि EWS एक कोटा होगा जिसमें 10% दिया जाएगा, ये किसके, जनरल कैटेगरी के। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, एट लास्ट आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, कौन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं एंड कौन कौन से अनुच्छेद जो है इस टोटल रिजर्वेशन या आरक्षण टॉपिक में जरूरी है, आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी फॉर दैट। क्लियर है इतना, आई थिंक आई हैव कम्प्लीटेड एंटायर पार्ट ऑफ रिजर्वेशन। इससे ज़्यादा आता भी नहीं है, इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है, इससे ज़्यादा MCQs बनेंगे भी नहीं।